हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइजिंग हैक्स लेकर आई हूँ, और वो सारे के सारे हैक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और एकदम इजी टू मेक है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं मेरे पहले हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना मिक्सर ग्राइंडर काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं तो आपको पता ही होगा उसके जो रबर लेग है उसके सक्शन के कारण वो काउंटर टॉप पर बहुत ही टाइटली चिपक जाते हैं, और जब हम सफाई करने जाते हैं तो हम उसे और खींच कर निकालना पड़ता है, और उसकी वायर भी मैसी लगती है। तो आप इस तरीके के डिस्कार्डेड ट्रे का या फिर किसी बड़े कंटेनर जिसमें हम चावल या आटा रखते हैं उसका लीड आप मिक्सर ग्राइंडर को रखने के लिए यूज कर सकते हैं, और उसके उसमें आप वायर को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और उसे हम इजीली हटाकर सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आपके पास एक्स्ट्रा चकला होगा तो उसके ऊपर भी आप मिक्सर ग्राइंडर को रख सकते हैं। उस चकले को आप एज ए स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो किचन अप्लायंसेस का वायर है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका काउंटर टॉप भी हमेशा क्लीन रहेगा। तो जो भी चीज़ें पड़ी हुई है हमारे पास, या तो ट्रे या तो फिर किसी डब्बे का लिड या फिर अपना एक्स्ट्रा चकला, किसी के पास दो चकले होते हैं तो एक चकले को आप एज अ स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं अपने मिक्सर ग्राइंडर को रखने के लिए। और इसकी वायर को मैं हमेशा एक लाइटर के होल्डर में टक करके रखती हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। अगर आप भी DIY करने में इंटरेस्टेड हो और आपके पास भी इस तरीके की खाली बास्केट पड़ी है तो आप इसे एज अ प्लेट होल्डर की तरह यूज कर सकते हो। तो जूट की या नायलॉन की जो भी रोप आपके पास है उस रस्सी को लेना है और आपको इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, उस तरीके से बास्केट के ऊपर बांध देना है। और नॉट बांधने से पहले आपको एक बार इस प्लेट को उसके ऊपर रख देना है ताकि आप जो रस्सी है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि एवरी टाइम मैं नॉट बांधने से पहले प्लेट को इसके अंदर टक करके खड़ा कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट साइज बन जाए। तो बस आपको जितनी प्लेट रखनी है उतने सारे सेक्शन आप बना सकते हैं। बनाने से पहले एक बार वीडियो को ठीक से देख लेना ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने रस्सी को बास्केट से बांधा है और किस तरीके से प्लेट को इसके अंदर रखा है। तो आप एक बार ये बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। अब आइसक्रीम के इस छोटे से डब्बे में मुझे स्पून भी रखने हैं और फोक भी रखने हैं, पर इसके लिए मुझे इसमें दो सेक्शन चाहिए, तो मैं इसके ही लिड से इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर दूंगी।
चाहो तो हम थोड़ा सा डब्बे को प्रेस कर सकते हैं ताकि ये इसके अंदर परफेक्टली फिट हो जाए। तो बस अब इसके दो सेक्शन हो गए हैं, तो बस एक सेक्शन में हम स्पून रख देंगे और एक सेक्शन में नाइफ रख देंगे। और ये इजीली रिमूवेबल है, आप इसे वॉश भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको कलर भी कर सकते हो। मैंने ऐसे ही इसे यूज़ किया है, पर आप चाहो तो उसे डेकोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाइस रैक को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके स्पाइस रैक में आप बहुत सारी कंटेनर्स रखे हैं तो पीछे वाले कंटेनर में आपने क्या रखा है उसे देखने के लिए बार बार हमें उस कंटेनर को उठाकर देखना पड़ता है, और बार बार यूज़ करने से वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है और गिरने का भी चांस होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्पाइस ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो आपके पास इस तरीके के कंपॉस बॉक्स तो होगे ही होगे, तो उन कंपॉस बॉक्स को आप अपने स्पाइस रैक में स्पाइस जार्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो डिस्कार्डेड कंपॉस बॉक्स है वो भी रीयूज़ हो जाएगा और आपका शेल्फ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कैसे आप इन कंपोस्ट बॉक्स को अपने स्पाइस रैक में रख दीजिए और उसके ऊपर जो भी आप बैक साइड में कंटेनर रखते हो उनको रख दीजिए, जो थोड़े हाइटेड है उनको इन कंपोस्ट बॉक्स के ऊपर अरेंज कर दीजिए और नीचे छोटे छोटे जार्स को रख दीजिए। इससे आपको सारे के सारे कंटेनर्स इजीली विजिबल हो जाएंगे और सामने वाला पीछे वाला कंटेनर निकालने के लिए आपको आगे का कंटेनर उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ये चॉकलेट बॉक्स। ये चॉकलेट बॉक्स कभी ना कभी हमारे घर में आ ही जाता है, तो इसे हम एज अ ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो हर एक सेक्शन में हम अपनी इयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स या चेन, इस सारी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए या रेगुलर यूज़ के लिए जो हम पहनते हैं अपनी इयर रिंग्स या नेक रिंग्स, वो सब हम इसके अंदर रख सकते हैं। और इसको हम ड्रॉअर में भी रख सकते हैं या फिर हम बॉक्स में भी रख सकते हैं। मैंने अपनी जो मोती की ज्वेलरी थी उसे भी इसमें रखा है, इसलिए मैं इसे एक बॉक्स में रखने वाली हूँ। दिवाली के टाइम पे इस तरीके के बॉक्सेस हमारे घर में आते हैं जो मिठाई के या चॉकलेट के होते हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इन बॉक्सेस को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को मैंने कुछ इस तरीके से रीयूज़ किया है। तो इसके ऊपर जो कवर था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, तो उसी का मैंने उसे बेस दे दिया है और उसे स्टिक कर दिया है फेविकॉल की मदद से, और उसी लिड को एज अ इजी टू ओपन लिड की तरह भी यूज़ किया है। और इसे हम बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के जो हमारे रेगुलर सामान होते हैं उसे रखकर हम इसे एज अ ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे मेन डोर के साइड में हम जो जब भी हम बाहर जाते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, गॉगल है या वॉच है या गाड़ी की चाबी है, उन चीज़ों को इसके अंदर रखकर हम डोर के बिल्कुल साइड के टेबल पर इसे रखेंगे ताकि हम जब बाहर जाने वाले होते हैं तो ये चीज़ें हमें इजीली मिल जाएगी। इस तरीके के डेकोरेटिव पेपर आपके घर में होते ही होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब उसे ऐसे ही रख देते हैं तो या तो वो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं या उनका कलर निकल जाता है। तो अगर आप इनको अच्छे से रखना चाहते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप जो टिश्यू पेपर
का कार्डबोर्ड रोल होता है या फिर फॉइल पेपर का जो कार्डबोर्ड रोल होता है उनमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे सिंपली आप रोल कर दीजिए और इस कार्डबोर्ड रोल के अंदर रख दीजिए, तो आगे से जब भी आपके पास रोल रहेगा तो उसे फेंकिए मत, उसे डेकोरेटिव पेपर को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कीजिए और इसके अंदर आपके सारे पेपर्स जो है वो बहुत ही सिक्योर रहेंगे। बेल्ट को रोल करके रखने का एक बहुत ही अलग और मज़ेदार तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे नॉर्मली हम बेल्ट की एंड को बक्कल में डालकर बाहर की तरफ निकालते हैं, लेकिन जब हमें इसे रोल करना है तो हम उसे अंदर की तरफ डालकर इस तरीके से रोल कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट को फोल्ड करते हो तो बेल्ट कभी भी ओपन नहीं होगा। तो नेक्स्ट है, अगर आपके पास इस तरीके का मिठाई का बॉक्स कभी आ जाए तो उसको आपको इस तरीके से दो पीस में कट कर देना है कटर की हेल्प से, और जो हमने बेल्ट को रोल करके रखा था उन बेल्ट को इसमें हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमारे घर में पड़े वेस्ट से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को वेस्ट से होने वाले पोल्यूशन से बचाने के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को रिसाइकल करके उनको रीयूज़ ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपको स्क्रीन के नीचे एक थम्स अप का बटन है उसे प्रेस कर देना है। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हो तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।